पंजाब दे विच नशा वेचण वालियां दे हौंसले किस तरह बुलंद ने उसकी तस्वीर एक बार फिर देखने मिली है। तुहानूं दस दईए कि नशा वेचण वालियां दी शिकायत करन दे उत्ते दो सके भरावां दे उत्ते जानलेवा हमला किया गया है। मामला माशीवाड़ा साहिब दा है जिथे नशा वेचण वालियां दे खिलाफ दो सके भरावां वल्लों शिकायत की गई सी, पर उन्हां नूं घेर के नशा तस्करां वल्लों कुटमार की गई। दस दईए कि जगदीप सिंह अते मनदीप सिंह लुहारिया के जो रहने वाले ने उन्होंने वालों नशा तस्करा के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की थी, पर उन्होंने घेर के उन्होंने उत्ते हमला किया गया तो उन्होंने कुटमार की गई, जिन्होंने इलाज लिए हस्पताल दे विच दाखल करवा दिता है। इलाज अधीन जगदीप ने दसिया कि कुछ दिन पहला उन्होंने रिश्ते लगते एक भरा की नशा कारण मौत हो गई सी, जो नशीले पदार्थ माशीवाड़ा विखे एक व्यक्ति तो लैके आता सी। जगदीप सिंह ने कहा कि उसने नशीले पदार्थ बेचने वाले खिलाफ माशीवाड़ा पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई। जदों पुलिस ने उसके घर छापेमारी की तो उस नाल रंजिश रखन लग पिया। अज तो जदों उस सवेरे माशीवाड़ा साहिब तो अपने भरा मनदीप सिंह नाल स्कूटरी ते सवार होकर पिंड नूं जा रहा सी, तां रस्ते विच जिस व्यक्ति खिलाफ उसने शिकायत करवाई सी तो उसने उन्होंने घेर लिया। तो जगदीप सिंह ने दसिया कि उसनू चार व्यक्तियों ने घेर के उन्होंने उपर डंडियां दे नाल हमला कर दिता तो उन्होंने लहू लहान कर दिता। तो कुटमार तो बाद सारे व्यक्ति मौके तो फरार हो गए, जिस तो बाद जगदीप और मनदीप दोहां नूं हस्पताल दे विच इलाज लई दाखल करवाया गया। मेरा नाम जगदीप सिंह जी, पिंड मेरा लोहारियां बेटी जी। घटना भाजी साढ़े ना मेरे चाचा जी के बेटे भी नशा करता सीगा जी, माछवाड़े तो अपने हरदीप सिंह उर्फ गुल्लू नशा बेचता जी। मैं दो तीन बार आके रोकया कि तू नशा ना दे साडे मुंडे नूं, ये चिट्टा बेचता जी। इतने कई बार सी एस स्टाफ ने पहले चाके परचे भी दिते ने, चिट्टे के परचे भी चलते जी। इतने जी ना मनिया था, ये चिट्टा देने तो ना हटिया, साडा ना मुंडा मर गया टीका ला के जी। ये परिवार खिलाफ असीं पाजियां, मेरे चाचा जी का बेटा था जी, हाँ जी, जिन्होंने नशा दे रहा, नशा काफ़ी जन दे रहा वा, अपने को गवाह भी है जिन्होंने लोन भी दे रहा जी। ये एक तरीक न मरिया जी मुंडा, हाँ एक जी, एक नौ जी। तो असी जी इन रोकया था, अभी खन्ने भी दरखास्तां कंपलेटा पाइया जी, 112 से भी कंपलेटा पाइया बार खिलाफ। सवेरे पुलिस गई ये घर जी, अज जी रात कंपलेट पाई वो बारे भी, भाई तेरे ते अदर तक कंपलेट दी है भी तू 12 बजे थाने आ जी। तो थाने ना आया तो मैं 9 बजे थाने जी घर में जा रहा है, तो बस जाते इन्होंने फौजी टेंट वाले को घेर के मेरी कुटमार करी जी डंडिया नाल। तो यदा जो छो गुरदीप सिंह गुल्लू ने मेरे दस्ते मारे, दस्ता हजे भी खून ना लिपड़िया पिया जी उत्ते। जिहड़ा भरा वा छोटा गुरदीप सिंह नौना, उन्हें मेरे भाजी कड़ा परने च बन के कड़े मारे सिर, मेरा सिर सारा ही पाड़िया पे जी। आ डांगा भी मेरे इन्हें ही मारिया हुई जाने जी, आगे आ सट्टा इन्हें ही मारिया हुई जाने। ये खिलाफ भी चिट्टा बेचता जी, ये भी साडा मुंडा मर गया जी, ये भी ये कोई साडी सुनवाई नहीं पुलिस ने करी माछवाड़ा दी ने, ठीक है जी। भाजी अभी खुद कई बार अपना मुंडा रंगे इतने ही फड़िया उतो लैन आया जी, ये बार खिलाफ शिकायत यह लिखाई हुई है कि ये चिट्टा बेचता जी, इनू भी नत्थ पाई जाए जी, ठीक है जी। लोगों ने हम देखो माछवाड़े च किनिया मौत हो गई जी, होर जे नहीं बेचते उन्होंने परचे पाई जाते, जो बेचते पुलिस फड़ती हुई है जी। मैं कई हाँ जी हाँ जी, हाँ जी कुटमार करी है भी तू साडे ते रिपोर्टा दरखास्तां दिना कि ये नशा बेचते ने। अज तो 10 दिन पहला ये घरों दो कंडे फड़े चिट्टा तोलने वाले जी, पुलिस ने ता भी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, पुलिस साढ़े बयान लै गई जी, हजे तक अरैसट नहीं किया जी। अभी यही मंग करते पे साड़ी सुनवाई हो, जो ये नशे का धंधा करता वा इनू ठप्प किया जाए तो यदि बनती सजा दवाई जाए। यदा नाम है जी हरदीप सिंह, ये पिता हरदीप सिंह उर्फ गुल्लू, ये पिता का नाम है पाल सिंह, रहन वाला है ये रोपड़ रोड रविदास महला फौजी टेंट के बैक साइड। मेरा मनदीप सिंह लारिया रोड भी मैं यही भी उसके खिलाफ पहला भाई ने कंप्लेट पाई थी, जो मुंडा मेरा साडा ड्रग्स ला के सवेरे वो घर पुलिस गए जी, कुलदीप सिंह गया से जसान सिंह, तो उन्होंने लग्या भी कंप्लेट मतलब जी पा रहा मुंडा, तो असं जा रहे थे तीन जने, उन्होंने सू तिना घेर लिया। पहला गुल्लू आया, फिर डैडी, फिर घरती, फिर भरा, पहला उन्हें भरा भरा ने मेरे सिर पर भी कड़े का वार कर पर लग्या नहीं है। तो मुझे फिर वो अच्छा कहते तेरे कोई गल नहीं है कि साड़ी ये मुंडे ना, ये मुंडे की इन्होंने कुटमार करी है कड़े नाल दस्ते नाल, मेरा भरा ही लगता। हाँ जी हाँ जी, चिट्टे का चिट्टा बेचते हूँ भी बेचते हैं, ठीक है जी, दिन रात बेचते कहते जो हम जो जिते रिपोर्ट देंगे दे दो, कोई नहीं कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं कोई कर सकता, मुंडा मरिया वह भी कहते कोई कुछ नहीं कर सकता, जिते मर्जी वो कर।
ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੱਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਐਲਆਰ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਹਾਰੀਆਂ ਮੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਲੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਚਰਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਧਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ